jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। राजस्थान की पूर्व मंत्री बीना काक अपनी बुक का फिल्म स्टार सलमान खान से विमोचन करवाए जाने को लेकर सुर्खियों में है। इसको लेकर बीजेपी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए काक को सवाई माधोपुर में घुसने पर चुनौती तक दे डाली है। राजस्थान में फॉरेस्ट मिनिस्टर रही बीना काक मैंने प्यार क्यों किया और गॉड तुसी ग्रेट हो जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में एक्टर सलमान खान की माँ का किरदार निभा चुकी हैं। इसी वजह से उनके बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों से अच्छे रिश्ते हैं। दरअसल राजस्थान की कांग्रेस सरकार में 2008 से 2013 तक फॉरेस्ट और टूरिज्म मिनिस्टर रह चुकी बीना काक ने हाल ही में अपनी बुक लॉन्च की। काक की बुक साइलेंट सेंटिनल्स ऑफ रैंथम्बोर की लॉन्चिंग पर सलमान खान, कैटरीना कैफ भी शामिल हुए थे। इनके अलावा सलमान के पिता सलीम खान, माँ सलमा और हेलन भी लॉन्चिंग में मौजूद थी। मामला रणथंभौर नेशनल पार्क से जुड़ा होने के कारण यहां राजनीति में बीना काक के नाम पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने काक के इस कृत्य पर अपनी कड़ी निंदा की है, साथ ही सवाई माधोपुर में घुसने पर चुनौती तक दे डाली है। भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश जैन और भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण धाकड़ का आरोप है कि पहले से ही हिरण शिकार मामले में फंसे सलमान खान से पुस्तक का विमोचन करवाया जाना वन्य जीव प्रेमियों की भावनाओं का मखौल उड़ाना है, इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस शासन में वन मंत्री रही बीना काक का रणथंभौर नेशनल पार्क से एक गहरा रिश्ता रहा है। किसी समय वे रणथंभौर नेशनल पार्क की वादियों में अपना अधिक समय गुजारा करती थीं। एक्टर सलमान खान पर जोधपुर में काला हिरण मारने का मुकदमा दर्ज हुआ था, तब उन्होंने सलमान को हिरण शिकार मामले में बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब विवाद का बड़ा कारण बीना काक की बुक का सलमान खान द्वारा विमोचन करवाया जाना है।